भोपाल नगर निगम से संबंधित समस्याओं के लिए भोपाल महापौर मालती राय ने 1 जनवरी 2023 को महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। एक साल में इसमें 35,500 के लगभग शिकायत आई थी, जिसमें से 3,469 शिकायतों का निराकरण किया गया। महापौर मालती राय ने आज स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम में महिला महापौर हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की और लाभार्थियों से फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर समस्या हल करने हेतु आदेशित किया। इस मौके पर मालती राय ने कहा कि महापौर हेल्पलाइन के जरिए भोपाल की जनता की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। भोपाल की बहुत सारी जनता नगर निगम से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान रहती है। हमने महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की। भोपाल की जनता को बताना चाहती हूँ कि पिछले साल 2023 में 1 जनवरी से हमने महापौर हेल्पलाइन चालू की थी और आज हम 24 में खड़े हुए हैं महापौर हेल्पलाइन के लिए 2023 में। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 35,000 लगभग शिकायतें जनता की आई हैं, उसमें 34,569 शिकायतों को हम पूरा कर चुके हैं। हमें इस बात की खुशी है कि लगभग 35,500 जनता को शिकायतों के माध्यम से हमने सुविधा देने का प्रयास किया है। समस्याएं सीवेज की आती हैं और स्ट्रीट डॉग की आती हैं। डॉग की जो शिकायतें आती हैं, जनता के कहे अनुसार शिकायतों पर हम अमले को भेजकर वो डॉग को लेकर और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और सीवेज की है, सीवेज की कई शिकायतें इसलिए ज़्यादा आती हैं कि लोगों ने अपने घरों में जहाँ सीवेज की लाइन थी वहाँ अतिक्रमण कर लिया है। कई जगह ऐसी समस्या आई है कि बाहर का जो सीवेज आउटलेट था, कॉलोनी वालों ने उस आउटलेट को प्रॉपर नहीं बनाया है, इसके कारण भी सीवेज की समस्याएं ज़्यादा आई हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।